हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शदाज हेल्थ अफेयर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्पॉन्ज केक की बेसिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पॉन्ज वनीला स्पॉन्ज होता है, चॉकलेट स्पॉन्ज होता है, तो आज मैं वनीला स्पॉन्ज की बिल्कुल सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। विद इन 3 मिनट्स आप इसे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में। मैं दूसरा तरीका भी बता दूँगी, पर यहाँ पर आज मैं जो बता रही हूँ वो माइक्रोवेव से बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिए हैं 3 एग। तो उन एग्स को मैंने देखिए रूम टेम्परेचर पे लिया है और उसका वाइट पार्ट अलग कर दिया और येलो यानी योक पार्ट होता है उसे मैंने अलग कर दिया। आप स्ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं, आप हाथों से यूज़ कर सकते हैं या आप शेल से भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल एक कटोरी में निकाला और एक स्पून और एक फोक की मदद से येलो पार्ट को उठा के दूसरे वाले अपने बोल में रख दिया। बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से करना। तो अब हमें ये वाइट वाला पार्ट है इसे बीट करना है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। ध्यान रहे एग हमारे नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। सिर्फ 1 मिनट बीट करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसे बीट करेंगे ये फ्रॉथी होता जाएगा, इसमें बहुत सारे झाग बन जाएंगे, ये पहले से ज़्यादा डेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप कोशिश करके वही यूज़ करें, अदरवाइज़ आप हैंड ब्लेंडर से भी इसे कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप फोक की सहायता से भी कर सकते हैं, पर आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह का जब तक ना हो जाए तब तक आपको उसे बीट करना है। आप देखिए बिल्कुल फ्रॉथी हो गया है, पूरा झाग से भर गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे शुगर, तो यहाँ मैंने ली है 1/2 कप शुगर। और इसे भी हम वापस से 1 मिनट इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट मैंने इसे बीट कर लिया है। अब मैंने इसमें लिया है ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल ना हो। दोस्तों, आप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल इस तरह का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे लिया है मैंने जितनी शुगर ली थी यानी 1/2 कप शुगर लिया है, तो 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट इतने ही इसी इंग्रेडिएंट्स को डबल करते जाएं। अब जो हमने येलो पार्ट अलग कर रखा था 3 एग योक, वो इसमें मिक्स कर देंगे। ऑयल डालने के बाद मुश्किल से मैंने इसे 20 सेकेंड चलाया था फ्रेंड, बस ऑयल हमारा एग्स में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब येलो पार्ट डालने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। डाला मैंने लेमन जूस, और इन सारी चीज़ों को एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे ये तैयार हो चुके हैं, इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो एक स्ट्रेनर मैंने रख लिया है अपने उसी बोल के ऊपर, और यहाँ मैंने लिया है 3/4 कप मैदा। अगर आपके पास 3/4 मेजर करने का नहीं है फ्रेंड्स, तो आप कैसे करेंगे, आप 1/2 कप लीजिए, 1/2 कप के बाद 1/4 कप यानी 1/2 कप का आधा, तो आपका 3/4 कप मेजर हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और साथ में डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून।
अब इसे अच्छे से छान लेंगे। इसमें हमने जो बेकिंग पाउडर और सोडा डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं इसे स्पून से इस तरह से मिला रही हूँ। अब हमें यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से इसे धीरे धीरे फोल्ड करना है। जो मैदा है इसे हम बहुत ही हल्के हाथों से अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ फोल्ड करेंगे। आप देखिए जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको धीरे धीरे इसे फोल्ड करना है। बिल्कुल मैदे में लम्स नहीं रहने चाहिए, आप इस तरह से मिलाते जाएँ और बीच में से इस तरह से कट करते जाएँ, यानी कट एंड फोल्ड मेथड से आपको ये मिक्स करना है। अब हम इसमें ले रहे हैं 1/4 कप मिल्क यानी दूध। ये दूध भी मैंने जो है रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और इसी तरह से मिक्स करते जाएं बहुत ही हल्के हाथों से। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ मैं इसे। तो यहाँ पे मैंने ली है माइक्रोवेव सेफ डिश, और अगर आप इसे अवन में करना चाहते हैं तो इस तरह से एल्युमिनियम टिन में भी कर सकते हैं। तो नीचे इस तरह से आप पहले एक पेपर लगा दें और उस पर अच्छे से ग्रीसिंग कर दें चारों तरफ। तो अगर आप माइक्रोवेव में बेक करने वाले हैं तो ध्यान रखें आपको 180 डिग्री पर 20-25 मिनट्स तक उसे बेक करना है, या आप एक बार उसे चेक कर लें। अगर लगता है आपको थोड़ा बहुत क्योंकि हर माइक्रो ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और जब तक वो हो ना जाए आप उसे 2-3 मिनट और टाइमर लगा के कर सकते हैं। मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ पावर लेवल पर। माइक्रोवेव पावर लेवल पे हमें इसे 3 मिनट देके रखा है, माइक्रोवेव किया है सिंपल, सिर्फ माइक्रोवेव पावर लेवल पर 3 मिनट मैंने इसे माइक्रो किया है। और ये देखिए रेडी है। इस तरह से आप टूथपिक डाल के चेक कर ले, चाहे आप इसे अवन में पकाएं चाहे माइक्रोवेव में, बिल्कुल इस तरह से नीट आनी चाहिए आपकी स्टिक। और इसे अब हम थोड़ा सा ठंडा करके तब इसे डीमोल्ड करेंगे। आप इसका स्पॉन्ज देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये वापस कैसे बाउंस कर रहा है। और इसे मैंने सिर्फ अभी 10 मिनट ही ठंडा किया है, इसे हम अनमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे इसी टिन में रहने देंगे तो नीचे से ये पसीज जाएगा, यानी इसके अंदर पानी सा आ जाएगा। तो इसलिए आप इसे निकाल लें और किसी रैक के ऊपर रख दें, वायर रैक पे रख दें, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, देखिए आप इसका स्पॉन्ज देखिए दोस्तों, जैसे ढोकले का स्पॉन्ज आता है बिल्कुल उसी तरह का केक का टेक्स्चर आया है मेरे। ये देखिए आप इसका स्पॉन्ज देख रहे हैं। फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और 100% सक्सेसफुल रेसिपी है ये। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा जो मैंने ये रेसिपी दी है। और अगर आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो जब भी आइसिंग करनी हो आप इस तरह से स्पॉन्ज तैयार करें। अभी ये गर्म है इसलिए मैंने काट के नहीं दिखाया, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब आइसिंग करके दिखाऊंगी तो मैं आपको पूरी तरह से इसका फुल वीडियो दूंगी कि आप इस पर कैसे आइसिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे आपको किस तरह की आइसिंग चाहिए तो मैं वो उस तरह का वीडियो भी बना कर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।